मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव प्रमोटेड फ्रॉम क्लास फिफ्थ टू क्लास सिक्स. नाउ आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन टू योर न्यू क्लास, दैट इज इन द क्लास सिक्स. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस. वी विल बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज मंडे मॉर्निंग. ओके, लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. The little children's awful want to stay home from school. क्या little children means जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें maximum school जाना पसंद नहीं होता. आप सबको भी नहीं होता होगा. We often see the little kids with the shining morning faces going unwillingly to the school. हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि वो बेमन से सुबह से स्कूल जाते हैं, उनका मन भी नहीं होता, फिर भी उन्हें पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं. Some of them can be seen crying when they are bundled off with their स्कूल रिक्शास और वैन. और बहुत से बच्चे तो रोने भी लगते हैं क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है. एंड दे आर गोइंग फ्रॉम द रिक्शास और वैन्स. इट इज़ क्वाइट नेचुरल बिकॉज लिटिल किड्स डोंट वॉन्ट टू लीव द क्रॉसी लैप ऑफ देयर मदर्स. और ये नेचुरल थिंग है क्योंकि बच्चे क्या घर से और अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहते. But some children carry this habit even when they grow older. लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं फिर भी उनकी ये आदत जाती नहीं. They always want to stay home from school. They invent all the sorts of excuses and lies. और वो हमेशा घर पे ही रहना चाहते हैं. और क्या होता है, और वो बहुत सारे excuses और झूठ भी बोलते हैं जिससे कि वो क्या घर पर रह सकें. Tom was one such boy. He was 8 years old. Tom, जो कि इस चैप्टर में एक बॉय है, वो ऐसे ही एक लड़का है. और क्या है, उसकी एज कितनी है, 8 years old. He lived with Aunt Polly. वो कहाँ रहता है, Aunt Polly के साथ रहता है. His little sister Mary and his brother Sid also lived with him. उसके साथ उसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम क्या है Mary, और उसका ब्रदर जिसका नाम क्या है Sid, वो दोनों भी साथ में रहते हैं. द ओल्ड लेडी लव्ड द चिल्ड्रन डियरली. जो आंट पॉली है वो सभी चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. बट टॉम वॉज लिटिल नॉटी. लेकिन टॉम क्या है, थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा शरारती बॉय है. वन मंडे मॉर्निंग ही ट्राइड सम ट्रिक्स टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. और एक मंडे मॉर्निंग की बात है कि वो बहुत सारी ट्रिक्स अप्लाई कर रहा था जिससे कि वो घर पर रह सके. हेयर यू विल रीड हाउ ही फेल्ड इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स. और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसकी कौन सी ट्रिक्स हैं जो वो अप्लाई कर रहा था स्कूल ना जाने के लिए, बट अल्टीमेटली वो उन ट्रिक्स में क्या हुआ, फेल हुआ. ओके, मंडे मॉर्निंग टॉम फाउंड अनहैप्पी. मंडे मॉर्निंग को क्या, टॉम बहुत ज़्यादा क्या था, अनहैप्पी था. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड टॉम हिम सो बिकॉज विद इट बिगेन द अनदर वीक सफरिंग एट स्कूल. और टॉम को हमेशा मंडे की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी क्योंकि मंडे के दिन क्या होता है, एक नया वीक स्टार्ट होता है और टॉम को फिर क्या डेली स्कूल जाना पड़ेगा. इसीलिए वो क्या संडे उसे बहुत पसंद है जैसे हम सबको होता है, बट मंडे मॉर्निंग ही डिडेंट लाइक इट. टॉम ले थिंकिंग ही विश्ड ही वॉज सिक बिकॉज ही कुड देन स्टे होम फ्रॉम स्कूल. और टॉम क्या सोच रहा था कि ही विश्ड ही वॉज सिक. टॉम ये सोचता है कि मैं किसी भी तरह से बीमार हो जाऊँ जिससे कि मैं क्या घर पर रह सकूँ. He examined his whole body. He couldn't find any ailment. और वो अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है कि कहीं उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि वो क्या देखे, सिक देख सके. बट उसे अपनी पूरी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल जिससे कि वो इल देख सके. He investigated again. थोड़ी देर बाद फिर अपनी बॉडी चेक करता है. This time he thought he had some pain in his stomach. वो सोचता है शायद मेरे पेट में क्या है, थोड़ा सा दर्द है. With great hope, he began to encourage it. But soon the pain died away completely. और वो सोचता है अरे वाह, मेरे तो पेट में दर्द है, अब तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका पेट दर्द भी सही हो जाता है. Tom investigated further. फिर वो अपनी पूरी बॉडी चेक करता है कि अरे यार पेट दर्द तो सही हो गया, अब फिर कुछ होने लगे मेरे लिए. Suddenly he discovered something wrong. फिर उसे कुछ गड़बड़ देखती है अपनी बॉडी में. One of his tooth was loose. उसका क्या, एक टूथ, उसका एक दांत क्या था, थोड़ा सा लूज था. एंड दैट वॉज लकी. और वो सोचता है अरे वाह, मेरा तो क्या है, एक टूथ क्या है, लूज है.
हियर वॉज अ चांस टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. वो सोचता है अरे भाई ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहाना हो जाएगा स्कूल घर पर रुकने का स्कूल से. टॉम वॉज अबाउट टू स्टार्ट क्राइंग बट देन ही थॉट अबाउट इट. टॉम क्या करता है, रोना शुरू कर देता है. लेकिन क्या इतने में क्या होता है, हिज आंट वुड पुल द लूज टूथ आउट एंड वुड हर्ट. टॉम सोचता है कि अगर मैं बहुत तेज तेज रोया तो आंट क्या करेंगी, लूज टूथ को बाहर निकाल देंगी और मुझे बहुत तेज दर्द होगा. सो ही डिसाइडेड टू होल्ड द टूथ एंड रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड द सीक फर्दर. फिर टॉम सोचता है एक काम करता हूँ, लूज टूथ को अभी मैं क्या रिजर्व में रखता हूँ, ये वाला बहाना, कोई और नया बहाना सोच लेता हूँ. टॉम कुड थिंक ऑफ नथिंग फॉर सम लिटिल टाइम बट देन सडनली ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड अ सोटो. देन आफ्टर टॉम कुछ टाइम पर सोचता है, फिर उसे याद आता है, अरे वाह मेरा तो एक टो क्या है बहुत तेज दर्द कर रहा है. वेरी ईगरली ही ड्रिव इट फ्रॉम अंडर द शीट एंड फिल टू ग्रोनिंग विद द ग्रेट स्पिरिट बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियसली. वो क्या करता है, अपने पैर को बेडशीट से बाहर निकालता है और बहुत तेज तेज क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है. लेकिन उसके बाजू में सिट क्या होता है, वो अनकॉन्शियसली अपनी गहरी नींद में क्या हो रहा है, सो रहा होता है. टॉम groaned louder. He began to feel that there was a pain his toe really. No result from the sit. टॉम क्या करता है, और तेज तेज चिल्लाने लगता है. वो मींस सिट को बताना चाहता था कि मेरे टो में बहुत तेज दर्द है. By this time, Tom was painting with his excretion. He took and rest, then started groaning again. फिर क्या करता है, टॉम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो क्या फिर से चिल्लाना शुरू करता है. But Sid's not on. लेकिन क्या सिड तो अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, खर्राटे मारते जा रहा है, सिड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. टॉम वॉज हैंग्री. ही सेड सिड सिड एंड शॉक हिम. टॉम को गुस्सा आता है कि मैं इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ लेकिन सिड उठ ही नहीं रहा है. तो वो क्या करता है, सिड को बहुत तेज शॉक मीन्स हिला देता है. Then course worked well. Tom began to groan again. ये उसका means ये जो उसका बहाना था ये काम कर गया और वो अति तेज रोने लगा. Sid yawned and stretched. Then he brought himself up off his elbow and began to stare at Tom. क्या करता है Sid, क्या करता है, yawn, बहुत तेज yawning करता है और अपनी पूरी body को stretch करता है और elbow पे अपने सिर को रख के Tom की तरफ देखने लगता है. Okay? Tom said, what there, but there was no response. Sid क्या बार बार बोलता है Tom, लेकिन क्या Sid कोई भी response नहीं देता. Tom, what is the matter? Sid said and shook him. फिर बोलता है Tom, बताओ अब क्या बात है, तुमने मुझे क्यों उठाया है. Tom moaned out, oh, don't Sid, don't joggle me. Why, what is the matter, Tom? I was called aunt. देन सिड बोलता है कि अब तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आंट को जाके बुलाऊंगा. नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, डोंट कॉल एनीबॉडी. टॉम बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आंट को बुलाओ मत, आंट को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट आई मस्ट, डोंट ग्रो सोन. टॉम, आई फील ऑफुल, सो लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, आवर्स, आउच, ओ डोंट स्टेयर मी सिड, यू विल किल मी. देन आफ्टर सिड बोलता है कि तुम मुझे इतनी देर से आवाज़ दे रहे हो और तुम इतनी तेज तेज चिल्ला भी रहे हो, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक सो हमें आंट को बुलाना ही चाहिए. तो ओ टॉम, व्हाई डिडंट यू वेक मी सूनर, प्लीज डोंट क्राई एंड टॉम, व्हाट इज द मैटर. तो सिड से टॉम बोलता है कि नहीं तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. तो सिड बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया और तुम क्या करो, रोना बंद कर दो. Sid, I forgave you everything. You have evident to me what I am gone, when I am gone. तो बहुत तेज रो रहा है और टॉम बोलता जा रहा है कि मुझे माफ़ कर देना. Sid means वो क्या अल्टीमेटली बहाने बनाता जा रहा है कि मुझे माफ़ कर देना जो भी मेरी गलती हो, क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ. ओ टॉम, यू आर डाइंग, आर यू. तो सिड बोलता है कि तुम मरने जा रहे हो, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे लिए कि तुम मरने जा रहे हो. आई फॉरगिव एवरीबॉडी, टेल मी सिड. बट सिड वॉज गॉन, ही हैड रन डाउन स्टेयर्स. लेकिन वो टॉम बहाने बनाता जा रहा है तो सिड क्या करता है, वो दौड़ के सीढ़ियों से क्या नीचे चला जाता है. ओके, देन ओ आंट पॉली क्राइड सिड, कम एट सून, टॉम इज डाइंग.
आंट पॉली को आवाज देता है कि आंट पॉली जल्दी आइए, टॉम मर रहा है। डाइंग? यस आंटी, डोंट वेट, कम क्विक। आंट बोलती है, क्या बोल रहा है, डाइंग? ऐसा क्या हो गया उसके लिए? लेकिन सिड बोलता है कि कोई बात, आप बिल्कुल मत वेट कीजिए, जल्दी आ जाइए। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। आंट बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। नेवर्थलेस शी फेल्ट अपस्टेयर्स विद द सिड एंड मैरी एट हर हील्स। हर फेस हैड गॉन वाइट एंड हर लिप्स वर ट्रेम्बलिंग। देन सिड बोलता है कि कोई, लेकिन आंट वो बहुत तेज तेज रो रहा है, उसका पूरा फेस वाइट हो गया है और वो क्या रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। When she reached the bedside, she grabs out, Tom, what is the matter with you? Then after Aunt Polly उसके रूम में आती हैं, उसके बेड साइड पर खड़ी होती हैं और पूछती हैं कि टॉम क्या हुआ तुम्हारे लिए। ओ आंटी आई एम, what? What is the matter with you, my child? बोलती हैं कि हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। ओ आंटी माई सो टो इज किलिंग मी। आंटी मेरा क्या है, टो में बहुत ज़्यादा क्या पेन हो रहा है और मैं इसकी वजह से क्या मरा जा रहा हूँ। The old lady sank down into the chair. She laughed a little, cried a little, and then did both together. तो आंट पॉली क्या करती है, उन्हें बहुत तेज हंसी भी आती है टॉम के बहाने पर, और वो क्या करती हैं, लाफ करती हैं। ओ टॉम, वॉट अ शोक यू गेव मी, सेड आंट पॉली। नो, शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ योर बेड। देन आफ्टर आंट पॉली बोलती हैं कि वाओ, तुमने तो मुझे कितना अच्छा शौक दिया है, ज़बरदस्ती में मुझे यहाँ तक बुलाया। एक काम करो, अब जल्दी से अपनी नॉनसेंस बंद करो और अपनी बेड से बाहर आ जाओ। द ग्राउंड्स एंडेड एंड पेन डिसअपियर्ड। देन आफ्टर टॉम फिर बैठ जाता है, रोना बंद कर देता और उसका पेन क्या चला जाता है। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सैड, आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई फॉरगेट अबाउट माई टूथ एट ऑल। देन आफ्टर टॉम बोलता है कि आंटी, मैं अपने पैर की वजह से अपने टीथ को तो भूल ही गया, मेरे पैर में दर्द था लेकिन मेरे टूथ में तो और भी ज़्यादा दर्द है। योर टूथ, वॉट इज़ द मैटर विद योर टूथ। देन आंट बोलती हैं कि क्या हुआ अब तुम्हारे टूथ में। वन ऑफ देम लूज एंड इट्स एक ऑफुल। और मेरे, टॉम बोलता है कि मेरे एक टूथ में बहुत ज़्यादा क्या है, पेन है। देयर देयर, नाउ डोंट बिगिन दैट ग्राउंडिंग अगेन, ओपन योर माउथ। Well, your tooth is loose, but you are not going to die of that. Mary, get me a silk thread and a chunk of fires out of the kitchen. Aunt Polly बोलती हैं, कोई बात नहीं है, तुम्हारा टूथ क्या है, लूज है, लेकिन उससे तुम क्या डाई नहीं हो जाओगे। देन आफ्टर आंट पॉली मैरी से बोलती हैं कि मैरी, जाओ जल्दी मेरे लिए एक सिल्क थ्रेड लेकर आओ और किचन से क्या लेके आना, आग लेके आना। ओ प्लीज़ आंटी, सर टॉम, डोंट पुल इट आउट, It doesn't hurt anymore. Please, auntie, don't pull it out. I don't want to stay home from school. Then after aunt Tom बोलता है कि नहीं नहीं आंटी, इतना दर्द नहीं होना है, प्लीज़ आप क्या मेरे टूथ को बाहर मत निकालिए, उससे तो मेरे लिए और पेन होने लगेगा। Oh, I see. So all this row was because you thought you did get to stay home from school and go fishing. Then after aunt Polly बोलती हैं, अब मैं समझी कि तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि तुम ये बहाने बनाकर घर पर रह जाओ और क्या फिशिंग करने के लिए जाओ। टॉम, हाउ फुल ऑफ ट्रिक्स यू आर, आई लव यू सो मच बट यू ट्राई एवरी वे टू ब्रेक माई पुअर ओल्ड हार्ट। कहती हैं कि तुम कितनी ट्रिक्स अप्लाई करते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई लव यू, बट लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स और ये तुम्हारे झूठ से मैं बहुत ज़्यादा क्या परेशान हो जाती हूँ। By this time, the dental instrument was all ready. The old lady tied one end of the silk thread to the Tom's tooth and the other end to the bedpost. क्या करती हैं? Aunt Polly silk thread लेती हैं, एक end को bedpost पे बांध देती हैं, दूसरा end क्या? Tom के tooth पर. Then he seized the pan of burning coals and suddenly thrust it almost into the boy's face. क्या? फिर वो क्या? ये fire टॉम के फेस के पास ले जाती हैं। द टूथ वॉज आउट डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। तो क्या टॉम पीछे होता है और उसका दांत क्या हो जाता है, निकल जाता है और बेड पोस्ट पे क्या डैंगलिंग मीन्स लटकने लगता है। टॉम, सेड आंट पॉली, नाउ दैट योर टूथ इज आउट यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड नॉट हैव फ्राइटेंड मी लाइक दिस। देन आफ्टर आंट पॉली बोलती हैं कि फाइनली टॉम तुम्हारा टूथ बाहर हो गया है, अब तुम स्कूल जा सकते हो और नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा परेशान मत करना। ओके, होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। थैंक यू।